महानदी के तट पर चंद्रहासिनी माता का एक अद्भुत मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के समीप स्थित है और जिसकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इसकी कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो कि माता सती से भी जुड़ी हुई हैं और जहां माता के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आज हम आपको इस वीडियो में चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर के बारे में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे चमत्कार और मंदिर से जुड़ी मान्यताओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और आपकी श्रद्धा और भी कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, महानदी के संगम पर स्थित है चंद्रपुर, जहां मां चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। कहा जाता है यह सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। यहां मां दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक स्वरूप मां चंद्रहासिनी के रूप में विराजित है। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण माता चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी माँ के नाम से जानी जाती हैं। माँ चंद्रहासिनी पर सभी का अपार श्रद्धा एवं विश्वास है। भक्त माता के दरबार में नारियल, अगरबत्ती और फूल माला लेकर पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। माता चंद्रहासिनी मंदिर का इतिहास और मान्यताएं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार माता चंद्रहासिनी सरगुजा से आ रही थी। आते आते उन्हें चंद्रपुर में स्थित महानदी दिखी। माता महानदी के शीतल धाराओं से बहुत ही प्रभावित होकर वहां रुककर विश्राम करने लगी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, लेकिन माता की नींद नहीं खुली। फिर एक बार संबलपुर के राजा चंद्रहास की सवारी यहां से गुजर रही थी, तभी अनजाने में राजा चंद्रहास का पैर माता चंद्रहासिनी को लग जाता है, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। इसके बाद माता चंद्रहासिनी राजा चंद्रहास के सपने में आकर उन्हें वहां मंदिर निर्माण करने का आदेश देती हैं, जिसके बाद राजा चंद्रहास वहां मंदिर का निर्माण करवाते हैं और महानदी के उस पार मां नाथलदाई के मंदिर का निर्माण करवाते हैं और राजा प्रतिदिन मंदिर जाकर माता की पूजा अर्चना करते थे, जिससे माता ने खुश होकर राजा को दर्शन दिया और कहा कि इस जगह का नाम च अक्षर से रखना, इसलिए इस जगह का नाम चंद्रपुर रखा गया और माता का नाम चंद्रहासिनी रखा गया। दोस्तों, कहा जाता है माता सती के अंग जहां जहां धरती पर गिरे थे वहां आज वर्तमान में एक शक्ति पीठ स्थापित है। छत्तीसगढ़ में भी अनेकों स्थानों में माता के शक्ति पीठ स्थापित है, जिनमें से एक माता चंद्रहासिनी का मंदिर है। यहाँ सिद्ध माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक स्वरूप माँ चंद्रहासिनी के रूप में विराजित है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता के चमत्कारों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहला चमत्कार, कहा जाता है कि यहाँ के एक पुजारी थे जो बहती नदी के अंदर से सूखा रेत निकाल लेते थे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच है। दूसरा चमत्कार, दोस्तों एक समय की बात है, एक बार एक पुलिस वाला अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर अपने बच्चे को नदी में फेंकने चला गया और नदी के पास पहुंचते ही वह बच्चे को नदी में फेंक कर वहां से चला गया। ये सब देख माता चंद्रहासिनी तुरंत उस बच्चे को नदी में गिरने से पहले ही अपनी गोद में पकड़ लेती हैं और उसके बाद माता चंद्रहासिनी वहां के एक मछुआरे को सपना देती हैं और उस बच्चे को ले जाने के लिए कहती हैं। दोस्तों, ये सब किसी चमत्कार से भी ऊपर है, इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन माता की महिमा अपरंपार है। तीसरा चमत्कार, चंद्रपुर में बरसात में अक्सर ही बाढ़ जैसे हालात बनते हैं और कभी कभी तो पूरा का पूरा चंद्रपुर नगर बाढ़ के पानी में डूब जाता है, पर माता चंद्रहासिनी का मंदिर कभी नहीं डूबता। कहा जाता है कि एक बार चंद्रपुर में भीषण बाढ़ आया और जिसके कारण माता नाथलदाई बाढ़ के पानी में डूबने लगी। तब नाथलदाई ने अपनी बहन चंद्रहासिनी माता को पुकारा, जिससे माता ने अपने चरण रखे
और माता के चरण का स्पर्श पाकर पानी वापस लौट गया। माता के चरण के निशान आज भी चंद्रपुर के मंदिर परिसर में स्थित हैं। चौथा चमत्कार। दोस्तों, चंद्रपुर में हर साल नवरात्रि में चंद्रपुर के बाजार परिसर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और उस दुर्गा पूजा में चंद्रपुर के राज परिवार के द्वारा अष्टमी के दिन एक भैंस जिसे पोड़ कहा जाता है उसकी बलि दी जाती है और बलि से बैल की खून की जो धार निकलती है उस खून में इतनी महिमा होती है कि उसे पाने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ लगी होती है और जहां वह खून गिरता है वहां 2 से 3 फीट तक का गड्ढा हो जाता है क्योंकि लोग उस जगह की मिट्टी तक उखाड़ के ले जाते हैं। कहा जाता है कि उस खून की एक बूंद भी अपने शरीर पर लगा लेने से शरीर में जितना भी पुराना जिद्दी घाव और जख्म हो वो जल्दी छूट जाता है और भविष्य में जिद्दी घाव नहीं होते, पर यहाँ उसे प्राप्त कर पाना आसान काम नहीं होता। पांचवा चमत्कार। दोस्तों, चंद्रहासिनी माता का मुख किसी ने नहीं देखा है। चंद्रहासिनी मंदिर में माता के गर्भगृह में भी हम माता के पिछले भाग को ही देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक कथित कथा के अनुसार एक बार एक पुजारी ने माता को भोग लगाया और वापस जाने लगे, तभी उन्हें याद आया कि वो कुछ मंदिर में भूल गए हैं और वे वापस गर्भगृह में चले गए और तब से वो गर्भगृह के दृश्य के बारे में किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहे, उनकी आवाज चली गई। छठवां चमत्कार। माता चंद्रहासिनी के गर्भगृह के ठीक बाहर की दीवार पर लोग अपनी मन्नत मांगकर सिक्के को दीवार में चिपकाते हैं। कहा जाता है कि जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी। मंदिर के बाहर यहाँ अर्धनारीश्वर और बजरंग बली की बहुत ही ऊंची प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, साथ ही कृष्ण लीला, चीरहरण, महिषासुरवध, चारों धाम, नवग्रह की मूर्तियां, सर्वधर्म सभा, शेषनाग सैया तथा अन्य देवी देवताओं की यहाँ बहुत ही अनोखी मूर्तियां हैं। इसके साथ ही आप यहाँ तारामंडल और शीश महल का भी आनंद ले सकते हैं और यहाँ आपको महाभारत की चलित झांकी भी देखने को मिलेगी जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो महाभारत हमारे सामने ही चल रहा हो। दूसरी ओर भूमि के अंदर बनी सुरंग बहुत ही रहस्यमय लगती है और इसका भ्रमण करने पर काफी रोमांच महसूस होता है। नवरात्रि में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। पूरा चंद्रपुर इस समय माता के जयकारों से गूंज उठता है और यहाँ नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कराकर माँ से अपने सुख समृद्धि की कामना किया जाता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति ज्योति कलश प्रज्वलित करवा सकता है। ऐसे वातावरण में खुद को शामिल कर पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, यहाँ कुछ ही दूरी पर माता नाथलदाई का मंदिर है जो कि चंद्रहासिनी मंदिर के कुछ दूर आगे महानदी के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि माँ चंद्रहासिनी के दर्शन के बाद माता नाथलदाई के दर्शन भी जरूरी हैं, अन्यथा माता नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट में जय माँ चंद्रहासिनी लिखना न भूलें और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।